खबरों की ओर बढ़ने से पहले इंग्लिश राज की हेडलाइन। साजिद खान ने प्रियंका बोस को कहा आओ जरा बिकनी पे। छत्तीसगढ़ शिखर सम्मेलन लायू, हो रहा कास्टिंग काउच का खुलासा। अब खबरें विस्तार से। आरोपों में ऐड के डायरेक्टर साजिद खान की कठिनाइयां बढ़ने की संभावना है और एक अभिनेत्री ने साजिद खान पर दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। ऑडिशन के दौरान साजिद खान ने बिकनी पहनने को कहा, जब बिकनी पहनकर आई तो साजिद कर रहे थे गंदी हरकतें, ऐसा आरोप प्रियंका बोस ने लगाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सभी दल अपने आप में तरकश के तीर चला रहे हैं। बीजेपी भाव का आशीर्वाद किसे मिल रहा है, यह 11 दिसंबर को पता चलेगा। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप वायदे और उपलब्धि तो जनता की गहरी नजर बनी हुई है। इस बीच एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धि तो विपक्ष खामियां बता रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार चौथी बार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है तो कांग्रेस अपने सियासी बनवास को खत्म करना चाहती है। गए कुछ दिनों से कास्टिंग काउच जोरों शोरों से काफी चर्चा में है। बॉलीवुड की कोरियोग्राफर सरोज खान ने बॉलीवुड के कास्टिंग काउच को समर्थन करने के बाद विविध प्रतिक्रिया आ रही है। उसने मुझे फिल्मों में काम करने का दिया चांस, पर बदले में कहा कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा। मराठी अभिनेत्री उषा जाधव ने बताया कास्टिंग काउच का अनुभव। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।